आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग एक, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरे ज्येष्ठ भाता, हम 6 भाई थे, मोहनलाल जी, खीवराज जी, मन्नालाल जी, चंपालाल जी, सागरमल जी और मैं तुलसी। 6 भाई में मैं सबसे छोटा था। मेरे दादाजी और पिताजी मेरी समझ विकसित होने से पहले ही दिवंगत हो गए। सबसे बड़े भाई मोहनलाल जी मेरे लिए पिता तुल्य थे। उनके प्रति परिवार के सब सदस्यों में आदर के भाव थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण मैं हमेशा उनसे डरता रहता था। दूसरे भाई खीवराज जी से मेरा बहुत अधिक संपर्क नहीं रहा। वैसे ये दोनों भाई जल्दी ही परदेश चले गए थे। तीसरे भाई मन्नालाल जी की परिवार में क्या भूमिका रही, इस विषय में विशेष जानकारी नहीं है। चौथे भाई चंपालाल जी एक प्रकार से मेरे गार्जियन थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1964 में हुआ था। मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 7 वर्ष की थी। उनके और मेरे बीच में एक बहन मोरबाई एवं एक भाई सागरमल जी थे। सबसे बड़ी बहन लाड साध्वी प्रमुखा लाडा जी का जन्म भाई चंपालाल जी से पहले हो चुका था। सबसे छोटी बहन मनोहरी बाई का जन्म मेरे बाद हुआ। भाइयों में सबसे छोटा होने से मेरे प्रति सबका अकारण स्नेह था। भाई चंपालाल जी तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। जब मैं बहुत छोटा था तब वे मुझे गोदी में लेकर घुमाते थे। न तो वे कभी मुझे डांटते थे और न किसी को डांटने देते थे। मैं कुछ बड़ा हुआ, चलना और बोलना सीख लिया, थोड़ा थोड़ा जिद भी करने लगा। उस समय मेरी इच्छा पूरी करने का ध्यान भाई चंपालाल जी रखते थे। गीले आंगन में पैर रखना मुझे प्रारंभ से ही अच्छा नहीं लगता था। कभी घर का आंगन गीला होता और भोजन या नाश्ते के लिए माँ बुलाती तो मैं रसोई घर तक जा नहीं पाता। माँ कई बार आवाज देती तो मैं कह देता, माँ तेरे पास कैसे आऊँ, मेरे पाँव छी छी गंदे हो जाएंगे। उस समय काम में व्यस्त होने के कारण माँ मुझे लेने के लिए नहीं आ सकती थी। मैं रोना शुरू कर देता तो बड़े भाई चंपालाल जी मुझे हाथों में उठाकर गोदी में लेते और माँ के पास पहुँचा देते। बुद्धि बल की दृष्टि से मैं अपने आप को अधिक निपुण समझता था, इसलिए मैंने अपने अग्रज सागरमल जी से स्वयं को विशिष्ट दिखलाने का प्रयास किया था। वह मेरा बचपना था। जब कभी उस प्रसंग की स्मृति होती है मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी उम्र में मैं स्वयं को अधिक समझदार कैसे मानने लगा। कहा जाता है कि एक माँ के 8-10 संतानें हो तो आखिर 1-2 संतानें शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं। संभवतः इसी कारण मेरा शरीर नाजुक सा था और मैं अपने कपड़े नहीं धो पाता था। प्राय मेरे कपड़े धोने का काम भाई चंपालाल जी करते थे। मुझे ननिहाल जाना होता उस समय भी मुझे उन्हीं का सहयोग मिलता था। बड़ी बहन लाडा जी को ससुराल से बुलाने और पुनः पहुँचाने में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी। भाई चंपालाल जी की दीक्षा। पिताश्री झूमरमल जी का स्वर्गवास होने के बाद भाई चंपालाल जी अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ परदेश गए। वहाँ सिराजगंज और कमलपुर में लगभग 1.5 वर्ष तक व्यवसाय किया। उसके बाद वे विक्रम संवत 1977 में देश लाडनू आए। उसी वर्ष बड़ी बहन लाडा जी के जीवन में पति वियोग की दुखद घटना ने उनको संसार से विरक्त कर दिया। वैसे 1-2 प्रसंग पहले भी ऐसे घटित हो चुके थे जिनसे भाई चंपालाल जी का मन उद्वेलित हो गया था। वैराग्य भावना अंकुरित होने के बाद भी वे अपने दोनों मामा सुखलाल जी नेमीचंद जी कोठारी के साथ एक बार फिर परदेश पलासवाड़ी गए। वहां से हमीरमल जी कोठारी माँ के चाचा उनको कलकत्ता ले गए। वहां भी एक हादसा घटित हुआ। हमीरमल जी के पुत्र चैन रूप जी मौत के मुंह तक पहुंचकर बाल बाल बचे। उस घटना ने जीवन की नश्वरता का विश्वास पुष्ट कर दिया। कलकत्ता में उनका मन ही नहीं लगा, वे लाडनू आ गए। विक्रम संवत 1980 में उन्होंने डिडवाना में
पूज्य गुरुदेव कालूगणी के दर्शन किए। वहां से गुरुदेव लाडनू पधारे, दीक्षा की प्रार्थना की गई। उसके बाद विक्रम संवत 1981 चुरु चातुर्मास में उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद मुनि चंपालाल जी को पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि में रहने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव के साथ ही वे बिदासर चातुर्मास के बाद लाडनू आए। वहां उन्हें मेरी वैराग्य भावना की जानकारी मिली। उसके बाद उन्होंने मेरी दीक्षा के लिए तीव्र प्रयत्न किया। मुनि मगनलाल जी से मेरा परिचय करवाया, माँ वदना जी की उनसे बातचीत करवाई। मुनि मगनलाल जी के माध्यम से ही हम दोनों को गुरुदेव से परिचित करवाया। गुरुदेव और मुनि मगनलाल जी की पूर्ण रूप से अनुकूलता देखकर उन्होंने मन ही मन यह तय कर लिया कि तुलसी की दीक्षा इसी समय और यहीं हो जानी चाहिए। मैं स्वयं भी जल्दी से जल्दी दीक्षित होने के लिए उत्सुक था। गुरुदेव की पूरी मर्जी थी, कठिनाई एक ही थी, बड़े भाई मोहनलाल जी वहाँ नहीं थे। उन्हें सिराजगंज से लाडनू बुलाने का उपाय मुनि चंपालाल जी ने ही सुझाया था। इस दृष्टि से मैं उनको अपना महान उपकारी मानता हूँ। दीक्षा के बाद भी मेरी विकास यात्रा और संघीय दायित्व संभालने के पश्चात संघीय गतिविधियों में उनका पूरा पूरा योगदान मिलता रहा। मेरा बचपन 20वीं सदी के उत्तरार्ध की एक बड़ी त्रासदी है। समय से पहले ही बचपन की विदाई। बदलती जीवन शैली और बढ़ते संचार साधनों ने बच्चों का बचपन छीन लिया। हमारे जमाने में प्राय 2-3 वर्ष तक बच्चों को पूरे कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। गर्मी के दिनों में शरीर पर एक ही कपड़ा पर्याप्त माना जाता था। चड्डी या झांगिया बाद में पहनाया जाता था। स्कूल जाने का समय भी 5-6 वर्ष के बाद आता था। तब तक बच्चे अपने घर और पड़ोस में खेलते कूदते तथा अक्षर ज्ञान, पहाड़े याद करना आदि घर में ही कर लेते थे। उनकी दुनिया बहुत सीमित होती थी। परिवार और पड़ोस के अतिरिक्त उनकी जान पहचान कम लोगों से हो पाती थी। बच्चों के अध्ययन अध्यापन के साधन बहुत सीमित थे। उनकी समझ अवस्था के साथ साथ विकसित होती थी। आज के बच्चे सिनेमा, दूरदर्शन आदि के द्वारा इतना अधिक जान लेते हैं कि खाने खेलने के दिनों में भी वे सोचने लग जाते हैं। अब उनके खिलौने की शक्लें बदल गई हैं, खेल के तरीके बदल गए हैं और जीने का परिवेश भी बदल गया है। मैं जब बच्चा था, मेरे सामने मेरी माँ से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, डांटना, आँख दिखाना, सुलाना उठाना, मनाना समझाना, संस्कार देना आदि सभी काम माँ करती थी। मुझे यहाँ तक याद है, मेरा बचपन पूरी तरह से माँ पर आधारित था। वह एक कुशल गृहिणी थी। घर का संचालन और बच्चों का पालन पोषण दोनों काम उनके जिम्मे थे। हमारा नाश्ता। उस समय घर की आर्थिक स्थिति साधारण हो गई थी। खान पान भी साधारण था। एक समय था जब घर में गाय थी, किंतु हमें प्रतिदिन दूध नहीं मिलता था। मैंने कई बार सुना था कि मेरे दादाजी राजरूप जी हर सुबह दूध पीते थे। मेरे पिताजी को भी प्राय प्रतिदिन दूध मिलता था। उनके बाद मेरे बड़े भाई मोहनलाल जी को भी कभी कभी दूध मिलता था। शेष बच्चों को वार त्योहार दूध पिलाया जाता था। इसलिए हमने कभी यह जाना ही नहीं कि दूध प्रतिदिन पीने का पेय होता है। कभी घर में कोई महिला खीर पंचोला करती अथवा गोगा जी का त्योहार आता तो दूध की खीर अवश्य बनती, वह हम सब बच्चों को मिलती। जिस समय हम बच्चे थे, प्रातः राश में दलिया रोटी, दही रोटी आदि पदार्थ लेते थे। सायंकाल भोजन के बाद खाने की कोई चीज बच जाती, उसका नाश्ते में उपयोग हो जाता। उस समय खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर जैसे आधुनिक साधन तो नहीं थे, पर घरेलू व्यवस्थाएं ऐसी थी कि खाद्य पदार्थ खराब नहीं होने दिए जाते। संध्या के भोजन में बची हुई रोटियां भी प्रातः नाश्ते के समय काम आ जाती। माँ हमें ठंडी रोटियां यूं ही नहीं खिलाती, वह उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दलिये के साथ पका देती। माँ के ममतामय हाथों से परोसा गया वह दलिया भी हमें बहुत अच्छा लगता था। समस्या छाछ मांगने की। कालांतर में घर में गाय नहीं रही, उस समय दूध मोल लिया जाता। मोल के दूध से बिलोना करने का प्रसंग ही नहीं आता। घर में राबड़ी, कड़ी आदि बनाने के लिए छाछ की जरूरत पड़ती। तत्कालीन परंपरा के अनुसार सगे संबंधियों के घर में या पास पड़ोसियों में
कहीं भी बिलोना किया जाता तो छाछ में बहुत लोगों का संविभाग रहता था। छाछ जैसे साधारण पदार्थ के आदान प्रदान से भी पारस्परिक संबंध पुष्ट होते थे। माँ भी छाछ लाने के लिए हमें पड़ोसियों के घर भेजा करती थी। हालांकि मुझे घर का काम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था, बल्कि अच्छा लगता था, पर छाछ मांगकर लाने की बात बहुत कठिन प्रतीत होती थी। उधर माँ के निर्देश का अतिक्रमण भी असंभव था, इसलिए कभी कभी छाछ लाने जाना पड़ता था। माँ की चचेरी बहन तख्ताबाई का विवाह लाडनू निवासी मोहनलाल जी गुंदेचा के साथ हुआ। उनका घर छट्टी पट्टी में था। उनके यहाँ छाछ लेने के लिए कई बार जाना पड़ा। तख्ताबाई मेरा बहुत ध्यान रखती, मुझे देखते ही निकट बुलाकर कुछ कहे बिना ही बर्तन को छाछ से भर देती, किंतु संकोचशील वृत्ति के कारण मेरे लिए वह काम महाभारत था। मैं जब भी वहां जाता रसोई के निकट खड़ा हो जाता। मेरे हाथ में जो बर्तन होता उसे मैं पीछे की ओर कर लेता। मांगने में संकोच होता इसलिए तब तक वहां खड़ा रहता जब तक वे स्वयं देख नहीं लेती। बड़ी बहन की कमजोरी। हम लोग 6 भाई थे, हमारे 3 बहनें थीं। भाई बहनों में अच्छी पटती थी, पर बड़े भाई मोहनलाल जी का डर सबको लगता था। उनके निकट जाने या उनसे खुलकर बात करने का साहस किसी का नहीं था। मैं तो उनका नाम सुनते ही घबरा जाता। मैं जब तक घर में रहा लगभग यही स्थिति बनी रही। हमारी बड़ी बहन लाडा जी की एक कमजोरी थी, वह चूहे से बहुत डरती थी। कहीं भी चूहा सामने आ जाता तो वह पसीने से तरबतर हो जाती। रात्रि के समय चूहा देख लेती तो उन्हें नींद नहीं आती। हमारे लिए एक अच्छा खासा तमाशा था। कहीं भी कोई चूहा पकड़ में आ जाता तो लाडा जी के पास ले जाकर उन्हें चिढ़ाते। मैंने भी कई बार छोटी छोटी चूहिया पकड़कर लाडा जी को डराया था। इसके पीछे कोई गलत उद्देश्य नहीं था, पर वैसे करने में मजा आता था। मेरा स्वभाव। मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा था। मेरा जन्म विक्रम संवत 1971 कार्तिक शुक्ला द्वितीय 20 अक्टूबर 1914 मंगलवार को हुआ। छोटा होने के कारण मुझे सबका लाड प्यार मिला। अधिक लाड प्यार के कारण अथवा नैसर्गिक रूप से ही मुझे थोड़ी सी प्रतिकूलता होते ही गुस्सा आ जाता। कभी कभी गुस्सा इतना तेज होता कि एक या दो समय खाना भी नहीं खाता। कभी किसी के द्वारा कड़ी बात कहने पर मैं रूठ कर बैठ जाता। सब लोग मुहनारे करते थक जाते, पर मेरा मूड ठीक नहीं होता। कई बार मैं खंभा पकड़कर खड़ा हो जाता और घंटों तक खड़ा रहता। अनेक वर्षों तक इस प्रकृति से मुझे छुटकारा नहीं मिला। इसके कारण मैं स्वयं परेशान रहता और घरवालों को भी परेशानी उठानी पड़ती। मैं बचपन से ही स्वच्छता का प्रेमी था। घर से बाहर भी कहीं गंदगी देख लेता तो मेरा जी मचलने लगता। घर के भीतर किसी भी कारण से स्वच्छता की कमी मेरे लिए असह्य हो जाती। कभी वर्षा के कारण अथवा पानी अधिक गिर जाने से आंगन गीला रह जाता, उस समय भी मेरी परेशानी बढ़ जाती। 3 बातों से एलर्जी। हर व्यक्ति की कोई हॉबी होती है तो किसी किसी को कुछ बातों से एलर्जी भी होती है। जिस काम की हॉबी हो उसके न होने से मन पर असर होता है। इसी प्रकार जिस बात से एलर्जी हो वह प्रसंग सामने आने पर मन खिन्न हो जाता है। मुझे बचपन से ही 3 बातों से चिढ़ थी। सिर में घी लगाने से, खुले या बिखरे हुए बालों से और रोने से। माँ कई बार अपने सिर पर घी लगाती, उसकी सुगंध मेरे लिए दुर्गंध बन जाती। मेरा मन उससे बेचैन हो जाता। उस समय मैं माँ को कहता, माँ घी से मुझे घिन है, तुम इसे क्यों लगाती हो? मेरी बेचैनी देखकर एक बार तो वह मुझे आश्वस्त करने के लिए कह देती, अच्छा अब नहीं लगाऊंगी। किंतु फिर ऐसा समय आता कि माँ सिर में घी लगाती और मुझे अच्छा नहीं लगता। लाडा जी आदि बहनें सिर धोने के बाद बाल सुखाने के लिए कुछ समय तक उन्हें खुला रखती, वह मुझे पसंद नहीं था। इसी प्रकार बाल बनाते समय वे झड़कर आंगन में बिखर जाते या भोजन में आ जाते तो मुझे कई बार वमन तक हो जाती। यह बात वदना जी को दीक्षित होने के बाद भी याद थी। विक्रम संवत 2018 का एक प्रसंग है। उस वर्ष हमारा चातुर्मासिक प्रवास बिदासर था। हम महनोत भवन में प्रवास कर रहे थे। एक दिन मैं प्रवचन करके आया।
कुछ समय हॉल में टहलने के बाद उसके निकट कमरे में बैठा, वहां दो लड़के आए। उनके बाल बढ़े हुए थे। उन्होंने वंदना की तो उनके बाल मेरे पैरों पर छितर गए। मातृश्री वंदना जी सामने बैठी थी, वे खुलकर हंसने लगी। मैंने हंसी का कारण पूछा तो वे बोली, अबे माल आपने किया सुहाया, बी भगत एक भी माल आ जातो तो उल्टी कर घर भर देता। मैंने कहा, माँ जी उस समय हम इतने सयाने नहीं थे, सयाने होते तो आपको तंग नहीं करते। मेरी चीड़ का तीसरा कारण था आंखों में आंसू। बचपन में कभी कभार मैं भी रोता था, किंतु किसी दूसरे का रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी समय माँ और बड़े भाई मोहनलाल जी पुरानी बातें याद करते तो उनकी आंखें नम हो जाती। मैं कुछ समझता नहीं था और उन्हें कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं था, किंतु उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे अटपटासा लगता था। समस्या सामाजिक मानदंड की। एक बार घर में जीवनवार भोज का प्रसंग था। परिवार के काफी लोग भोजन करने आए थे। प्राय लोग भोजन कर निवृत्त हो चुके थे। उनकी जूठी थालियां यत्र तत्र बिखरी हुई थी। मैंने उनको एकत्रित करना शुरू कर दिया। मुझे थालियां उठाते देख किसी ने टोकते हुए कहा, तू क्या कर रहा है, क्या यह तेरा काम है, इन्हें तो काम करने वाले आकर उठाएंगे। मैं देखता ही रह गया। मैंने सोचा मुझे क्यों रोका गया, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा था। मैं अपनी थाली उठाकर रखता हूँ, वैसे ही बिरादरी के भाइयों की थालियां उठाकर एक स्थान पर रख देता तो क्या होता। लगता है इस काम को छोटा माना जाता है। जिस समाज में जूठी थालियां उठाने को भी हेय दृष्टि से देखा जाता है, वहां उन्हें मानने को तो न जाने क्या समझा जाता होगा। मुझे वह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर उस समय बालक होने के कारण मैं कर भी क्या सकता था। मैंने तत्काल थालियां छोड़ दी। लोग चले गए, सारा काम पूरा हो गया, फिर भी मेरे दिमाग से वह बात नहीं निकल पाई। कई बार मैंने मन में यह विचार कोंधता रहा कि एक ही काम को कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते, यह अंतर क्यों। चक्कर देवता का। मेरी मझली बहन मोरबाई का विवाह लाडनू के दुग्गड़ परिवार में हुआ था। उनके जेठू थे जेठ के पुत्र भवरलाल जी दुग्गड़। विचित्र व्यक्ति थे वे। एक पन्ने में कुछ प्रश्न लिखकर किसी व्यक्ति के द्वारा उसे जमीन में गड़वा देते। वे कहते थे, मेरा देव से संबंध है, वह मुझे भविष्य की बातें बताता है। इस पन्ने में जो प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तर देव के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। पन्ने में जो प्रश्न लिखे हुए होते उनके उत्तर वे पहले ही लिखकर ले आते थे। जिस समय वे जमीन में गड़ा हुआ पन्ना निकलवाते, उसे हाथ की सफाई से अपने पास वाले पन्ने से बदल देते। देखने वालों को कुछ भी पता नहीं लगता। पन्ना खोलकर वे उत्तर पढ़ते और लोगों को आश्चर्यचकित कर देते। मैं अपने आप को बचपन में भी बहुत होशियार समझता था। सामान्यतः मैं अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त रहता था, फिर भी दुग्गड़ जी के चक्कर में आ गया। कई बार मैंने उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान से मिट्टी खोदकर पन्ना निकाला और उसमें लिखी हुई बातों पर विश्वास किया। उनकी पोल खुली तभी मैंने जाना कि देव द्वारा उत्तर लिखने की बात सर्वथा गलत है, यह सारा ढोंग है और धोखाधड़ी है। नारियल की चोरी। अनुशासन, अध्यापन आदि कार्यों में अवस्था से अधिक दक्षता हासिल करने पर भी मैं प्रकृति से सीधा और सरल था। दुनियावी दांव पेच का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। स्कूल में पढ़ते समय कभी कभी मैं अपने साथियों के साथ सहरियावास में बने रामदेव जी के मंदिर में चला जाता था। एक साथी ने कहा, देव को खुश कर लिया जाए तो वे भविष्य की बातें बता देते हैं। देव खुश कैसे हो सकते हैं, इस प्रश्न पर वह बोला, नारियल चढ़ाने से देव प्रसन्न होते हैं, पर नारियल कहाँ से आए। एक साथी ने कहा, अपने अपने घर से हम नारियल ले आए तो देव की आवाज सुन सकते हैं। मन में देववाणी सुनने का कौतूहल जागा, पर माँ से नारियल मांगने की हिम्मत नहीं हुई। घर में कई नारियल पहले से रखे हुए थे, उनमें से एक नारियल बिना पूछे उठा लिया और मंदिर में चला गया। वहाँ अन्य साथी भी नारियल लेकर आए थे। हमने उनको फोड़ा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा रामदेव जी को चढ़ाया और शेष सबने मिलकर खा लिया। वहाँ पहले से ही एक लड़का छिपा हुआ था, वह कुछ बोला, क्या बोला समझ में नहीं आया। हमने इतना सा जाना कि कोई देव बोल रहा है।
देववाणी सुनने के लोभ में मैंने कई बार नारियल चुराया और मंदिर में चढ़ाया। कुछ समय पश्चात ज्ञात हुआ कि एक लड़का हमें धोखा दे रहा है। इससे मन में बड़ा अनुताप हुआ। समय देखकर मैंने सारी स्थिति माँ के सामने स्पष्ट कर दी। उन्होंने मुझे शिक्षा देते हुए कहा, तुझे नारियल की जरूरत थी तो मांग कर ले लेता, ऐसा गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, इसके अतिरिक्त मैंने कभी घर या बाहर से बिना पूछे कोई चीज नहीं उठाई। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी में मेरा सहज विश्वास था। पैसा हड़पने का मौका मिलने पर भी मैंने कभी वैसा काम नहीं किया। एक बार मेरी बड़ी भाभी मोहनलाल जी की पत्नी ने मुझे दो आने देते हुए कहा, मोती ये पैसे ले जाओ और बाजार से किले ला दो। आज्ञाकारी बालक की तरह मैं वे पैसे लेकर बाजार गया। वहाँ मेरे मामा नेमीचंद जी कोठारी की दुकान थी। मैंने उनसे किले मांगी, उन्होंने किले दे दी पर उनके पैसे नहीं लिए। किले लेकर मैं घर आ पहुँचा, भाभी को किले सौंप दी और दो आने के पैसे अपने पास रख लिए। थोड़ी देर बाद ही मन में एक प्रतिक्रिया हुई, जरूरत हो तो पैसे मांग सकता हूँ, पर इस प्रकार बिना बताए पैसे रखना अच्छी बात नहीं है। इस चिंतन के साथ ही मैंने तत्काल भाभी के पास जाकर पैसे उन्हें लौटा दिए। भाभी ने पूछा, पैसे वापस क्यों करते हो? मैंने कहा, मामा जी की दुकान से किले खरीदी थी, उन्होंने पैसे नहीं लिए। भाभी बोली, मेरे देवर जी बहुत सयाने हैं। यह बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। इस घटना ने सत्य के प्रति मेरी निष्ठा और भी मजबूत कर दी। कान का पर्दा। जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय विद्यार्थी स्लेट वर्तिका पाटी वर्ता रखते थे। एक दिन कोई छोटी सी वर्तिका मेरे हाथ में थी, मेरे बाएं कान में खुजलाहट होने लगी। मैंने वर्तिका से कान कुरेदना शुरू किया। अचानक हाथ से वर्तिका छूट गई और कान में फंस गई। बहुत चेष्टा करने पर भी वह नहीं निकली, एक समस्या खड़ी हो गई। मोहनलाल जी को पता लगा, वे मुझे सुजानगढ़ ले गए। वहां डॉक्टर को कान दिखाया, डॉक्टर ने औजार कान में डालकर वर्तिका निकाल दी, पर उसके कारण कान का पर्दा खराब हो गया। तभी से मुझे बाएं कान से कुछ कम सुनाई देता है। ओम अरहम।